बहुत बहुत धन्यवाद अंबर भाई, बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं भाई अंबर जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दी अंबर भाई के लिए। और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई भाई जाफरी ने, मनीष भाई, सभी लोगों ने मिलकर। पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। और एक बार इस कमेटी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दें, हाथ वाथ खोलते रहे। और मैं थोड़ी देर आप लोगों के बीच में रहूंगा, फतेहपुर की धरसी से आया हूँ जी। बस थोड़ी देर आप लोगों के बीच रहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति आपको अच्छी लगे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। घर से निकलते हैं तो माँ कहती हैं बेटा आराम से जाना, वहीं शुरू करता हूँ। उमर भाई और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि खुलूस लाया हूँ, दिल में वफाएं लाया हूँ, खुलूस लाया हूँ। जाफरी भाई देखना कि खुलूस लाया हूँ, दिल में वफाएं लाया हूँ, खुलूस लाया हूँ, खुलूस लाया हूँ, दिल में वफाएं लाया हूँ, खुलूस लाया हूँ, दिल में वफाएं लाया हूँ। करीब आओ मेरे, करीब आओ मेरे, ताजा हवाएं लाया हूँ, करीब आओ मेरे, ताजा हवाएं लाया हूँ, करीब आओ मेरे। और इस सिर पे सभी लोगों को जोड़ता हूँ कि बुराई लाख भी चाहे तो छू नहीं सकती, बुराई लाख भी चाहे तो छू नहीं सकती, बुराई लाख भी, बुराई लाख भी चाहे तो छू नहीं सकती। मैं अपने साथ में माँ की दुआएं लाया हूँ, मैं अपने साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ताली बजाई, इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे लेकिन पैदा नहीं हुए। और चार कमजोर पढ़ता हूँ, ये कवि है, शायर है। ये अंबर भाई, इनका कोई जवाब नहीं। चार पंक्ति का कौमी जयती का मंच, जुमई खा आजाद जी की याद में एक कार्यक्रम, कौमी जयती का मंच। चार पंक्ति पढ़ता हूँ, शहर में क्या होता और हमारे गांव में क्या होता है। कुछ नाम लूंगा जो कि मेरे गांव में है मौजूद, वो कैरेक्टर है इस पंक्ति में। अगर किसी का नाम हो तो उनसे माजरत चाहता हूँ। मैं हाजिर करता हूँ, चार में से हाजिर करता हूँ। परवाज इलाहाबादी साहब बैठे हैं और सविस्ता बुआ जी मेरी बैठी है यहाँ पे। सभी चरणों में रखता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि यही जुम्मन यही अलगू यही रमजान करते हैं, यही जुम्मन यही अलगू यही रमजान करते हैं, कभी घर जाओ इनके तो बहुत सम्मान करते हैं, कभी घर जाओ इनके तो बहुत सम्मान करते हैं। लड़ाओ तुम भले शहरों में हिंदू और मुसलमान को, लड़ाओ तुम भले शहरों में हिंदू और मुसलमान को, हमारे गांव में मुंडन अभी रहे मान करते हैं, हमारे गांव में मुंडन अभी करते हैं, हमारे गांव में मुंडन अभी रहे। भाई भाई फोटो तो खिंचा लो भाई, तुम्हारा भी मुंडन रामाले घाट में ऐसा लग रहा है। चार भाग्य और पढ़ता हूँ जी, इसको फिर से हाजिर करता हूँ कि यही जुम्मन यही अलगू यही रमजान करते हैं, कभी घर जाओ इनके तो बहुत सम्मान करते हैं। लड़ाओ तुम भले शहरों में हिंदू और मुसलमान को, भले लड़ाओ रहे मान करते हैं, हमारे गांव में मुंडन अभी रहे मान करते हैं। चार पंक्तियां कौमी जयती की तरफ से हवाले से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और आगे से पीछे तक लोगों को जोड़ना चाहता हूँ इस पंक्ति में। प्रभात भाई देखिएगा, आदरणीय अनु साहब बैठे हैं, सविस्ता दीदी बैठी हैं,
और फलक सुल्तानपुरी विक्टर भाई मेरे बड़े भाई विक्टर भाई है। चार पद के देखे विक्टर भाई एकदम नए ढंग की कहने की कोशिश की, कुछ अलग कहने की कोशिश की है कि दिलों की दूरियां मिलकर मोहब्बत से मिटाएंगे, दिलों की दूरियां मिलकर मोहब्बत से मिटाएंगे, सिवैया ईद की खाकर दिवाली हम मनाएंगे, सिवैया ईद की खाकर दिवाली हम मनाएंगे। नहीं आएंगे ओवैसी, नहीं आएंगे मोदी जी, नहीं आएंगे ओवैसी, नहीं आएंगे मोदी जी, लगेगी आग घर में तो हम ही मिलकर बुझाएंगे, आग घर में तो हम ही मिलकर बुझाएंगे। नहीं आएंगे ओवैसी, नहीं आएंगे मोदी जी, लगेगी आग घर में तो हम ही मिलकर बहुत बहुत आभार, मन से आशीर्वाद मिला इसका, अच्छा मतलब कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ। और सियासी सियासत क्या कर रही है, अगर चार पंदों कह दिया हो तो देखिएगा ये जो दंगे हो रहे हैं लगातार, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, पार्टी वार्टी का आदमी नहीं और शादी भी नहीं हुई मेरी, चार पंदे पढ़ता हूँ देखिएगा कि अगर कश्ती हो डूबी तो भला डर क्या था पेड़ों का, समझता हुआ जी देखिएगा कि अगर कश्ती हो डूबी तो भला डर क्या था पेड़ों का, उजालों ने जिसे लूटा उसे डर क्या अंधेरों का, उजालों ने जिसे लूटा उसे डर क्या अंधेरों का, न जाने कब विषैले सांप छोड़े आस तीनों से, न जाने कब विषैले सांप छोड़े आस तीनों से, भरोसा कुछ नहीं है अब सियासत के सपेरों का, भरोसा कुछ नहीं है अब सियासत के सपेरों का। और नौजवान यहाँ पे बैठे हुए, प्यार मोहब्बत की बात मैं भी करता हूँ, नौजवान हूँ लेकिन थोड़ा दिक्कत के समय आ रही है, इनकी रोमियो वगैरह चल गया है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दादा जगदीश पीयूष जी हैं यहाँ पे, प्रणाम करते हैं उनको, और पहली बार दर्शन हो रहे हैं और अमेठी धरती पहली बार मैं खुद ही आया हूँ, तो आप लोगों के बीच से ढेर सारी मोहब्बतें लेके जाना चाहता हूँ। आदरणीय जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी जी, विधायक राकेश प्रताप सिंह जी और निखिल श्रीवास्तव भैया, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मोहब्बत के हवाले से कि प्यारे हमने किया, अगर कविता हो तो मन से भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि प्यारे हमने किया तो खबर हो गई सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई, कि प्यारे हमने किया तो खबर हो गई सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई, प्यार से बढ़े की कोई इबादत नहीं, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार करके ही मीरा अमर हो गई, प्यार से बढ़े के कोई इबादत नहीं, प्यार करके ही मीरा अमर हो गई। चार पंक्ति के नौजवानों आपको और पढ़ता हूँ कि सज सवर करके जब यार मेरा चला बस उसी की कुमारी ही जाने लगी, कि सज सवर कर के जब यार मेरा चला बस उसी की कुमारी ही जाने लगी, उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, उसकी खुशबू गुलाबों से आने लगी, उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया,
आप लोगों को दो चार दस महीने पीछे ले चलते हैं, 12-13 महीने पीछे ले चलता हूँ। अगर एक साल का सफर हो जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, आदमी नहीं, सारे से बात करता हूँ। कहाँ से उत्तर प्रदेश की राजनीति चेंज हुई और कहाँ क्यों चेंज हुई ये बताना चाहता हूँ। कि वो अकेला ही सब जीत कर ले गया और किसी को मशीनों का डर ले गया। कि वो अकेला ही सब जीत कर ले गया और किसी को मशीनों का डर ले गया। काम तो आपने सब किए थे मगर काम तो आपने सब किए थे मगर आपको तो मुजफ्फर नगर ले गया। काम तो आपने कुछ किए थे मगर आजकल आदरणीय मोदी जी को ऊपर एक ट्रेन का भूत सवार है, बुलेट ट्रेन, वहां चार पिंजरे पढ़ता हूँ। अंबर भाई अमन से भी आशीर्वाद चाहता हूँ। फिर पूछने की कोशिश की है मेरी क्या औकात में किसी से क्या उलझू आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बस पूछने की कोशिश की है कि अब बताओ कली ये खिलेगी कहाँ, इतनी दमदार पटरी मिलेगी कहाँ। अब बताओ कली ये खिलेगी कहाँ, इतनी दमदार पटरी मिलेगी कहाँ। हाथ से हो रहे ट्रैक कमजोर है, ट्रैक कमजोर है, हाथ से हो रहे ये बुलेट ट्रेन बोलो चलेगी कहाँ। हाथ से हो रहे ट्रैक कमजोर है, ये बुलेट ट्रेन बोलो चलेगी कहाँ। और यहाँ पे नारी शक्ति मौजूद है, बेटियां मौजूद है, बेटियों के हवाले चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय मनीषी दत्त चरणों में रखता हूँ बेटियों के हवाले चार पंक्तियां। विक्टर भाई देखिएगा, कि आज की कोई कमजोर औरत नहीं और किसी से भी कम इनकी शोहरत नहीं। आज की कोई कमजोर औरत नहीं और किसी से भी कम इनकी शोहरत नहीं। दो घरों को सजाती है ये बेटियां, दो घरों को सजाती है ये बेटियां। बेटियों से बड़ी कोई दौलत नहीं, दो घरों को सजाती है ये बेटियां। बेटियों से बड़ी कोई दौलत नहीं। मुक्तक अच्छी थी, आप लोगों का आशीर्वाद कम आया है। क्या बात, जिस घर में बेटी होती है निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यशाली घर होता है। आशीर्वाद अंदर अंदर आ रहा है, जब कविता सुनी जाती है तालियां बजाते डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता लगता है निधि गुप्त दान चल रहा है। बहुत बहुत आभार अंबर भाई, एक बार अंबर भाई के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। अच्छा पढ़ रहे, बस चार पंक्तियां बेटियों घर से पढ़ता हूँ। जिस घर में बेटियां होती हैं वो वाकई में बहुत ही किस्मत वाला घर होता है। सविस्तर दीदी यहाँ बैठे उनके चरणों में चार पंक्तियां रखता हूँ और पढ़ता हूँ। बेटियां घर में बहुत नसीब से आती हैं, आप लोग उनकी कद्र करना सीखें। बेटियां क्या है मैं बताना चाहता हूँ और यहाँ से वहां तक सभी जितने बुद्धिमान श्रोता सभी के चरणों में रखता हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा। कि दर्द दिल में दबा कर चली जाएंगी, कि दर्द दिल में दबा कर चली जाएंगी, ख्वाब अपने सजा कर चली जाएंगी, ख्वाब अपने सजा कर चली जाएंगी। रोशनी दो घरों की है ये बेटियां, रोशनी दो घरों की है ये बेटियां। एक दिन ये रुला कर चली जाएंगी, एक दिन ये रुला कर चली जाएंगी। एक छोटी सी गजल पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। स्वागत। कि छू ले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, छू ले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, छू ले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा।
देगा तेरी कातिल नजरों से ये दिल घायल हो जाएगा तेरी कातिल नजरों से ये दिल घायल हो जाएगा। और मैंने शब्द को प्रयोग करने की कोशिश किया, देखिएगा कि नजरों का हथियार बनाकर कितनी जाने ले ली है, नजरों का हथियार बनाकर कितनी जाने ले ली है, नजरों का हथियार बनाकर कितनी जाने ले ली है, कुछ दिन में अब बैन तुम्हारा ये काजल हो जाएगा, कुछ दिन में अब बैन तुम्हारा ये काजल हो जाएगा। अभी तक खामोश थे, लेकिन अगर इस शेर पे आप लोग खामोश रहे तो बहुत ही मुझे दुख होगा। जो इस शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं लिखा है। आदरणीय सभी स्तर जिस बुआ जी बैठे, चरणों में रखता हूँ सभी मंच पे आसीन कवियों और शाहरुख का आशीर्वाद चाहता हूँ। कि छूले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, कि कोई क्या बदला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, कि कोई क्या बदला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, कोई क्या बदला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, जिस पानी को छू ले माँ वो गंगा जल हो जाएगा, जिस पानी को छू ले माँ वो गंगा जल हो जाएगा, कि कोई क्या बदला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, जिस पानी को छू ले माँ वो गंगा जल हो जाएगा। और ये सिर्फ नौजवानों आप लोगों की नजर करता हूँ, अगर दो तीन नौजवानों ने इसका पालन कर लिया तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। सिर हाजिर करता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद करता हूँ। कि छूले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, कि सड़कों पर तुम क्यों लड़ते हो इज्जत का भी ध्यान रखो, सड़कों पर तुम क्यों लड़ते हो इज्जत का भी ध्यान रखो, सड़कों पर तुम क्यों लड़ते हो इज्जत का भी ध्यान रखो, घर में घर बातें कर लो तो मसला हल हो जाएगा, घर में घर बातें कर लो तो मसला हल हो जाएगा। और मक्ता पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। कि छूले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, कि नाम तुम्हारा लिखता है और उसके सजदे करता है, कि नाम तुम्हारा लिखता है और उसके सजदे करता है, नाम तुम्हारा लिखता है और उसके सजदे करता है, तुम न मिले तो शिवम तुम्हारा अब पागल हो जाएगा, तुम न मिले तो। एक ताली थोड़ा सा और बजा दे, बहुत